सब्सक्राइब कीजिए स्टोरी एजुकेशन विद आशीष को और कर दीजिए इस बेल आइकन को एक्टिवेट ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा जो 2014 में हुई थी इसका सॉल्व पेपर लेकर आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज। तो पहले जो यहाँ पे 3 प्रश्न थे हुए थे कि इनको सही क्रम में लगाना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे पहला बता देता हूँ, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पे दिया गया था, देखिए इसको किस प्रकार लगाना था। पहला दिया गया है यहाँ पे, फर्स्ट दिया गया है हमारा देश उत्सव और त्यौहारों का देश है, ठीक है। तो इसको हमको सही क्रम में लगाना था। ए दिया गया है यहाँ पे, यह दिया गया है यह त्यौहार जनमानस में उल्लास जगाते हैं। र दिया गया है यहाँ अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। ल दिया गया है समन्वय की भावना भी पैदा करते हैं। और व दिया गया है लोगों में देशभक्ति और गौरव का भाव भरते हैं। और सिक्स दिया गया था यहाँ पे इन अवसरों पर सब मिलजुल कर खुशियाँ मनाते हैं, ठीक है। तो देखिए जो इसका सही ऑप्शन था वो होगा पहले जो सबसे पहले आएगा यहाँ अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। पहले रॉ लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यह वाला देखिए यहाँ पे यह त्यौहार जनमानस में उल्लास जगाते हैं। फिर यह, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए वो वाला लोगों में देशभक्ति और गौरव का भाव भरते हैं, ठीक है। और उसके बाद जा कर के लॉ समन्वय और भावना भी पैदा करते हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है वो आपको सही क्रम में लगाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया गया है तो इसको भी सही क्रम में लगाना है। यहाँ पे इसका सही क्रम दिया हुआ है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसको भी सही क्रम में लगाना है। तो ये यहाँ पे लगा रखा है, इसका आंसर दे रखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट यहाँ पे कहाँ राजा बोझ कहाँ गंगू तेली मुहावरे या लोकगति का सही अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जो कहाँ राजा बोझ कहाँ गंगू तेली का मतलब होता है आकाश पाताल का अंतर होना। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होगा महामूर्ख होना। अक्ल का दुश्मन मतलब महामूर्ख होना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे सरस्वती का पर्यायवाची है, ठीक है। सरस्वती का पर्यायवाची क्या है, तो देखिए सरस्वती का पर्यायवाची शारदा भी होता है, कमला भी होता है और वीणा पाणि भी होता है। तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो जो डी ऑप्शन है हमारा, फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा सही है। नेक्स्ट है ऐसा का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखिए ऐसा मतलब इच्छा होता है, इच्छा को ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट दिया गया है ऐसा का पर्यायवाची क्या है, इच्छा, ये हमारा सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे आदर शब्द में विशेषण, आदर शब्द का विशेषण बनेगा। तो देखिए जो विशेषण होते हैं, ठीक है, वो किसी की विशेषता प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे जो आदर है, आदर का क्या बनेगा, विशेषता विशेषण, ये बनेगा आदरणीय, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे तपोवन में कौन सी संधि है। तो देखिए तपोवन को अगर हम तोड़ें तो तपोवन का होता है तपा प्लस वन। देखिए विसर्ग, इसमें कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। तो यहाँ पे नोट करके दिया गया है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तपा प्लस वन क्या होगा, तपोवन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, ठीक है, तपोवन में विसर्ग संधि। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्न शब्दों में से द्वंद समास किस शब्द में है, ठीक है। पाप पुण्य धड़ाधड़, ठीक है, कला प्रवीण अत्रिभुवन। तो देखिए यहाँ पे जो द्वंद समास है वो पाप पुण्य, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पाप का पुण्य अपोजिट है। जहाँ पे भी अपोजिट होता है वहाँ पे द्वंद समास होता है, पाप पुण्य, दिन रात, माता पिता, ठीक है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसमें द्वंद समास होते हैं। देखिए यहाँ पे नोट करके दिया गया है द्वंद समास, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं लेकिन दोनों के बीच और का लोप होता है, ठीक है। जैसे हार जीत, पाप पुण्य, ठीक है, और वेद पुराण, लेन देन। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनको द्वंद समास कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे द्वार शब्द में प्रयुक्त ध्वनि है, ठीक है, द्वार शब्द में। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन इस बार भी आया था, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन हमेशा पूछ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दिया गया है द्वार, तो द्वार को अगर हम तोड़ते हैं तो जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती है उसमें देखिए दो आ र आ, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्वनि प्रयुक्त होती है, द्वा आर र आ, ठीक है, द्वार। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन था वो हमारा सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे अनुकूल का विलोम क्या होगा, ठीक है, अनुकूल का विलोम क्या है। तो देखिए जो अनुकूल है, अनुकूल का विलोम जो होता है वो होता है प्रतिकूल। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन था वो हमारा सही है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए दोस्तों जो भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और देखिए जो कार्बेट नेशनल पार्क है इसी का नाम
इसी को जिम कॉर्बेट पार्क के बारे में भी जाना जाता है। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जिम कॉर्बेट के नाम से इसका नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क पड़ा था। ठीक है, और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट यहाँ पे ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, 2014 के थे। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2014 के विजेता गुलजार का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए, जो जिन्होंने दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2014 में जीता था गुलजार, इनका जो वास्तविक नाम था वो था संपूर्ण सिंह कालरा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था वो हमारा सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन उत्तराखंड विधान सभा के अध्यक्ष हैं? ठीक है, तो ये उस समय की है 2014 का, तो उस समय देखिए यहाँ पे उस समय कौन थे, यहाँ पे गोविंद सिंह कुंजवाल। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? गोविंद सिंह कुंजवाल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया था, फरवरी 2014 में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें दिया गया देहरादून, नोएडा, नई दिल्ली। तो यहाँ देखिए इनमें कहीं नहीं किया गया था, ये जो किया गया था भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ये किया गया था लुधियाना में। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रक्तदान दिवस मनाया जाता है, देखिए रक्तदान दिवस जो होता है वो प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, भारत में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये पहली बार साल 1975 में 1 अक्टूबर को इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनियो हेमेटोलॉजी द्वारा मनाया गया विश्व रक्तदान दिवस। ठीक है, वर्ल्ड जो ब्लड डोनर डे है वो 14 जून को घोषित किया गया। ठीक है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 14 जून को क्या मनाया जाता है, रक्तदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान की, तो ये हर साल 1 अक्टूबर को, और अगर रक्तदान दिवस की बात करें तो यहाँ पे दिया गया कि 14 जून को रक्तदान दिवस की मनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे भटवाड़ी और मोरी। ठीक है, भटवाड़ी और मोरी जो है तहसीलों की जनपद में स्थित हैं। तो देखिए जो भटवाड़ी है और जो मोरी है, ये दोनों के दोनों उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे जेट विमान का आविष्कार किसने किया? तो जो जेट विमान है, जेट विमान का आविष्कार सर फ्रैंक वाइटल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तराखंड में किस जनपद में गंगोत्री एवं यमुनोत्री मंदिर स्थित हैं? तो देखिए जो गंगोत्री और यमुनोत्री हैं ये उत्तरकाशी में है, जबकि अगर हम बात करें केदारनाथ की तो रुद्रप्रयाग में, और बद्रीनाथ की बात करें तो चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गरुड़ एवं कपकोट ब्लॉक की जनपद में स्थित हैं? तो देखिए जो गरुड़ और जो कपकोट हैं ये दोनों के दोनों ही ब्लॉक बागेश्वर जनपद में स्थित है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन तो हमारा सही था। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का राज्य, उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो आपको पता ही है उत्तराखंड जो का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है, मोनाल है। ठीक है, और देखिए जो मोनाल है, मोनाल नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, और उत्तराखंड का राज्य पक्षी, याद रखना ये चीज़ कि मोनाल नेपाल का राष्ट्रीय और उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे उत्तराखंड का उच्च न्यायालय स्थित है? ठीक है, तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय जो है वो नैनीताल में स्थित है। ठीक है, और देखिए जो इसकी स्थापना की गई, जो उच्च न्यायालय की, वो की गई थी 9 नवंबर 2000 को इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल में कौन सा जिला स्थित नहीं है? तो उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में जो है, देखिए यहाँ पे चमोली, पौड़ी और जो रुद्रप्रयाग, देखिए जो उत्तराखंड, उत्तराखंड को दो भागों में डिवाइड किया गया, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं जबकि गढ़वाल मंडल में 7 हैं। तो देखिए जो बागेश्वर है ये कुमाऊं गढ़वाल का, जो कुमाऊं मंडल है इसके अंतर्गत आता है, तो ये गढ़वाल मंडल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही था। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है? ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है, देखिए उत्तराखंड की जो द्वितीय राजभाषा है वो है संस्कृत। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे माणा दर्रा स्थित है, माणा दर्रा कहाँ स्थित है? तो माणा दर्रा जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे पिथौरागढ़ में निम्न में स्थित है। ठीक है, धारचूला, मुंशियारी और मुन्नाकोट। देखिए दोस्तों जो पिथौरागढ़ में धारचूला भी है, मुंशियारी भी है और मुन्नाकोट भी है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन था वो सही है हमारा, उपरोक्त सही। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर है इनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड का राज्य खेल कौन सा है? तो यहाँ पे दिया गया क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तराखंड जो राज्य है इसका जो राज्य खेल है वो कौन सा है, फुटबॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे फुटबॉल ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ये सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे उत्तराखंड राज्य की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो उत्तराखंड जो राज्य है उसमें राज्यसभा में 3 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे
उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो जो उत्तराखंड में जो विधानसभा इसके लिए जो अनुसूचित जनजाति इनके लिए 2 सीटें आरक्षित हैं, ठीक है, रिजर्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, उत्तराखंड में सबसे अधिक कौन सा अल्पसंख्यक है? तो उत्तराखंड में जो सबसे कम जो अल्पसंख्यक है, सॉरी जो सबसे अधिक अल्पसंख्यक है वो मुस्लिम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कटारमल मंदिर किस देवता में, कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है, ठीक है। तो जो कटारमल का जो मंदिर है वो सूर्य के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए कहते हैं सूर्य का कटारमल मंदिर, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा सही था। नेक्स्ट यहाँ पे, पौड़ी में शहीद मेला किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए जो पौड़ी में शहीद मेला है वो हरीश रावत ने प्रारंभ किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है? तो देखिए जो नंदाकिनी है ये नंदा घुटकी से निकलती है पर्वत से, और ये नंदप्रयाग में मिलती है। और देखिए दोस्तों ये सबसे छोटी नदी है, और ये नदी ऐसी है जिसका जल देवी देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है नंदप्रयाग अलकनंदा नदी के पंचप्रयाग यानी 5 संगम में से एक है, जो अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भगवान महावीर की माता कौन थी? तो देखिए जो भगवान महावीर है इनकी माता त्रिशला थी। नोट करके दिया गया है यहाँ पर कि त्रिशला को किन त्रिशला, त्रिशला देवी, प्रियकारिणी या त्रिशला माता के नाम से भी जाना जाता है। भगवान महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो देखिए जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो तो 1526 में था, जो द्वितीय युद्ध हुआ वो 1556 में, और जो तृतीय युद्ध हुआ वो हुआ था 1761 में, ठीक है। और पानीपत की जो तृतीय लड़ाई हुई थी वो 14 जनवरी 1961 में पानीपत में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, आदित्य जोशी विश्व जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो जो आदित्य जोशी थे, ठीक है, ये पुराने करंट अफेयर हैं, तो वो बैडमिंटन से संबंधित है। आदित्य जोशी एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, पहले पुरुष भारतीय जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो विश्व जूनियर रैंकिंग में प्रथम स्थान पर हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, वर्ष 2014 के शीतकालीन ओलंपिक किस शहर में संपादित हुए? ठीक है, जो 2014 में जो शीतकालीन ओलंपिक हुए थे वो सोची में हुए थे, ठीक है। जो सोची सिटी है वो रूस में है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक भाग में वन क्षेत्र है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो वन है वो मध्य प्रदेश में ज़्यादा वनों का क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, WWW का पूरा नाम क्या है? तो जो WWW.com लगाते हैं हम, ये इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, प्रथम भारतीय कौन है जिन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो देखिए जो सबसे पहले जो मिला था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, तो वो मिला था डॉक्टर सीवी रमन, ठीक है। देखिए इन्हें कब मिला था, 1930 में मिला था, ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनका आविष्कार के ही जो रमन प्रभाव इफेक्ट है इसके लिए इनको मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो बद्रीनाथ है वो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे, लोकमान्य के नाम से कौन जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन था वो हमारा सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत की प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट यहाँ पे, आगा खां का किस खेल से संबंधित है? तो जो आगा खां है ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन वैली डोमेन नेम एक्सटेंशन है? ठीक है, तो .com .gov.net। तो देखिए जो वैलिड डोमेन जो नेम होता है ये इस प्रकार का होता है, ये इंटरनेट नेमिंग सिस्टम है। इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि ये कंप्यूटर हो गया या वेब सर्वर है या मेल सर्वर, इन सब की पहचान की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो वैलिड डोमेन नेम है इसके अंतर्गत ये सभी आते हैं, .com .gov ठीक है .net ये सब आते हैं। नेक्स्ट है, ईमेल का विस्तृत रूप है? तो ईमेल का जो विस्तृत रूप है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट है यहाँ पे, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जो सांची स्तूप है इसका निर्माण अशोक ने करवाया था, ठीक है। सांची स्तूप सबसे पुराना ढांचा है और इसे मूल रूप से 3rd शताब्दी ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? ठीक है, नेशनल वोटर डे मतदाता दिवस। तो देखिए जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को मनाया जाता है, 2011 से शुरू हुआ था ये।
नेक्स्ट यहाँ पे पंखनुमा वर्तिकाग्र किसमें पाए जाते हैं, तो देखिए दोस्तों जो पंखनुमा वर्तिकाग्र होते हैं वो गेहूं में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बीज का बीजाणु द्वार किसके प्रवेश के लिए सुगम होता है, तो वो होता है परागण के लिए, ठीक है। जो परागण होता है, ठीक है, परागण के द्वारा ही जो प्लांट होते हैं, ठीक है, उनका जो उनमें जो सीड वगैरह लगते हैं वो परागण से ही लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पौधे में नियोजित पाया जाता है, तो देखिए जो पौधों में जो पाया जाता है नियोजित जो होते हैं, ठीक है, ये एंथर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरे वृक्ष के वृंत पर कलम के भाग को कहते हैं, तो देखिए जब दूसरे वृक्ष पर हम जो कलम लगाते हैं तो उसको भी हम कलम ही कहते हैं, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही था। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से कौन नॉन एंडोस्पर्मिक एक बीजपत्री है, ठीक है, नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है, मोनोकोटिलीडन, तो यहाँ पे जो अरंडी होते हैं वो मोनोकोटिलीडन यानी एक बीजपत्री होता है, ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन था वो हमारा सही है। नेक्स्ट यहाँ पे छुई मुई की पत्तियाँ को छूते ही मुरझाना किस प्रकार की पादप गति है, तो देखिए जो छुई मुई का पौधा अगर उसको टच करते हैं हाथ लगाते हैं तो कंपन मतलब उसे कंपन होती है और वो मुरझा जाता है, तो यहाँ पे कंपा मुकुंजन गति के द्वारा होता है ये। नेक्स्ट है काली मिर्च होती है, तो देखिए काली मिर्च जो है वो साग होती है, साग का मतलब देखिए यहाँ पे जो प्लांट होता है प्लांट को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, एक होता है, एक जो होता है वो होता है आपके ट्री, ठीक है, एक जो होती है वो उसको ट्री कहते हैं, जो सेकंड होती है उसको हम कहते हैं श्रब, और जो तीसरी होती है वो होती है हर्ब, हर्ब, ठीक है। तो देखिए जो हर्ब होते हैं वो ऐसे पौधे होते हैं जो एक साल के अंतर्गत ही ख़त्म हो जाते हैं, जैसे मिर्च का पौधा हो गया, सब्जियां हो गई, ये सब एनुअल होते हैं, एक वर्ष में ही ख़त्म हो जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं श्रब या सॉरी हर्ब या साग बोलते हैं, ठीक है। दूसरी होती है सर्ब जिनको झाड़ी बोलते हैं, और ये जो होती हैं जो ये थोड़ा बड़ी होती हैं, ठीक है, इनके मुकाबले में इनका जो साल होता है वो दो से तीन साल को चार साल पाँच साल तक रहती हैं, लेकिन जो ट्री होते हैं ये हाइट में भी लंबी होती हैं, ठीक है, और ये कई सालों तक रहती हैं। तो इस प्रकार जो प्लांट होता है प्लांट को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, एक हो गया आपका हर्ब सर्ब और ट्री। तो देखिए जो काली मिर्च का पौधा होता है वो साग यानी हर्ब में आती है, एनुअल पौधा है ये, एक साल के अंतर्गत ही ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के समय अवशोषित गैस होती है, देखिए जो प्लांट होते हैं प्लांट क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं ये कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और इसके बदले क्या करते हैं ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं, तो यहाँ पे दिया गया प्रकाश संश्लेषण के समय अवशोषित गैस होती है तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है यहाँ पे किसकी पहचान के लिए आयोडीन परीक्षण उपयुक्त होता है, तो देखिए जो आयोडीन का परीक्षण किया जाता है ये कार्बोहाइड्रेट के लिए किया जाता है, और देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक होता है, एक तो स्टार्च होता है, ठीक है, और दूसरा होता है शुगर, एक स्टार्च होता है और दूसरा शुगर होता है। जो स्टार्च होता है, स्टार्च जो होता है गेहूँ ज्वार मक्का बाजरा में मिलता है, जबकि जो शुगर होता है वो केला अमरूद गन्ना चुकंदर, ठीक है, मुनक्का छुहारा इसमें मिलते हैं, ठीक है। तो जो ये आयोडीन का परीक्षण किया जाता है इसमें कार्बोहाइड्रेट के लिए किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट की पहचान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस विटामिन द्वारा घाव ठीक होता है, तो देखिए जो विटामिन ई है विटामिन ई घाव को भरने का काम करता है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे चार कक्षीय हृदय किसमें पाया जाता है, यानी फोर चैम्बर जो हार्ट होता है वो किसमें पाया जाता है किसमें नहीं पाया जाता है, तो देखिए जो फोर चैम्बर हार्ट है वो तो स्तनधारी में पाया जाता है, पक्षी में पाया जाता है, मगरमच्छ में, लेकिन सर्प में नहीं पाया जाता है, ठीक है, सर्प जो होता है सांप में सिर्फ थ्री चैम्बर जो हार्ट होता है वो मिलता है, ठीक है, जिसमें से राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम और राइट एट्रियम होता है, ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम होता है, और एक होता है इसमें वेंट्रिकल, ठीक है, जबकि जो स्तनधारी होते हैं इसमें दो दो होते हैं, राइट लेफ्ट करके, ठीक है, एट्रियम वेंट्रियम वेंट्रिकल, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सांप है इसमें सिर्फ तीन ही होते हैं, जबकि औरों में कितने होते हैं चार चैम्बर हार्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि रक्त से कोशिकाएं हटा दी जाएं तो क्या बचेगा, तो देखिए जो अगर रक्त है ब्लड में से अगर सेल्स हटा दी जाएं तो सिर्फ प्लाज्मा बचेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है, तो जो न्यूटन सेकंड होता है वो संवेग का मात्रक होता है। नेक्स्ट है एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो एक नैनोमीटर जो होता है वो 10^-7 mm के बराबर होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ऊष्मा की चालकता गुणांक की बीमाएँ क्या है, तो जो ऊष्मा की जो चालकता होती है इसकी जो बीमाएँ होती हैं वो होती है MLT^-3 और K^-1, तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन था वो हमारा सही है।
इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो मैथ और रीजनिंग के हैं, तो इनके आंसर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर एक कार उत्तल आकार पुल से गुजरते समय उस पर जो बल लगाएगी वह होगा, ठीक है, तो वो होगा mg प्लस mg v स्क्वायर अपॉन r। ये फिजिक्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूटन की गति का प्रथम नियम निम्न को व्यक्त करता है, तो देखिए जो न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है वो जड़त्व को क्या करता है, व्यक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे यदि रेखीय वेग नियत रहे तो कोणीय वेग उसके समानुपाती होगा, तो ये होगा 1/r। नेक्स्ट यहाँ पे सौर मंडल में ग्रहों की गति किसका उदाहरण है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये, तो जो सौर मंडल में जो ग्रहों की गति है ये कोणीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पे एक गोले की घूर्णन एवं स्थानांतरण गति ऊर्जाओं का अनुपात होता है, तो ये होता है 2/7 के। नेक्स्ट यहाँ पे पृथ्वी के वायुमंडल संबंध है, तो ये है गुरुत्व द्वारा होता है, पृथ्वी के जो वायुमंडल का जो संबंध है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर हो तब चंद्रमा की सतह पर उसका द्रव्यमान होगा, तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, m होगा। नेक्स्ट जगह है कौन सा पदार्थ अत्यधिक प्रत्यास्थ है, ठीक है, तो जो लोहा होता है वो अत्यधिक प्रत्यास्थ होता है, ठीक है, क्योंकि जो प्रत्यास्थ होते हैं वो ऐसे होते हैं जो अपने अगर उनके जो उसका आकार है अगर उसमें परिवर्तन किया जाए, लेकिन फिर कुछ समय बाद क्या करते हैं अगर दोबारा अपने स्वरूप में आ जाते हैं तो उसे हम प्रत्यास्थ कहते हैं। ठीक है, तो जो लोहा होता है वो अत्यधिक प्रत्यास्थ है। नेक्स्ट यहाँ पे तनी हुई रबड़ में होती है, तो देखिए तनी हुई रबड़ होती है उसमें बढ़ी हुई स्थितिक ऊर्जा होती है, ठीक है, स्थितिक ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर देखिए पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसका जो मात्रक होता है उसका मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो देखिए जो द्रव का पृष्ठ तनाव है वो ताप के साथ घटता है, तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन हमारा वो सही था। नेक्स्ट यहाँ पे एक द्रव्य ठोस की सतह गीला नहीं करता यदि स्पर्श कोण क्या होगा, अधिक कोण होगा, ठीक है, तो यहाँ पे तब ये ऑप्शन हमारा सही था। नेक्स्ट यहाँ पे धातु का परावैद्यताक है, ठीक है, तो धातु का जो परावैद्यताक होता है वो अनंत होता है, ठीक है, जो डाई इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट है, ठीक है, वो क्या होता है, अनंत होता है। नेक्स्ट यहाँ पे स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ होगा, तो अगर स्थायी चुंबक बनाना है तो इसके लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा होगा, स्टील होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है, तो जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, अधिशासी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से ताप बढ़ाने पर किसका प्रतिरोध घटता है, तो देखिए अगर ताप बढ़ाते हैं तो जो जर्मेनियम होता है उसका प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट जगह यहाँ पे ई सी जी को किसके लिए उपयोग किया जाता है, हृदयघात, हृदय अवरोध, कॉर्नरी थ्रोम्बोसिस और उस सभी, तो जो देखिए पहले जो ईसीजी होता है, ईसीजी का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो उसका होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है, तो ये जो होता है देखा होगा आपने, इसमें जो है ये हार्ट के जो कार्य होता है उसका मापन करता है कि हार्ट कैसा काम कर रहा है, आपने देखा भी होगा हॉस्पिटलों में लगे रहते हैं कि हृदय कितना कंपन कर रहा है, जो हार्ट होता है कितना बीट कर रहा है, तो वो सब उसे पता चलता है, तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे जो डी ऑप्शन था हमारा सही है। नेक्स्ट यहाँ पे कुष्ठ रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो देखिए जो कुष्ठ रोग होता है वो माइक्रो बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट्रेट उर्वरक के अधिक उपयोग से बच्चों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, देखिए जो नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट अगर उर्वरक जो होता है फर्टिलाइजर होता है अगर ज़्यादा यूज किया जाता है तो इससे कौन सा रोग होता है, इससे होता है मिथेनोग्लोबिनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक पीड़क है, तो जो कीट होता है उसको पीड़क भी कहते हैं, ये क्या एक पीड़क है, कीट, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है, तो देखिए यहाँ पे हीरा, ग्रेफाइट और सिलिका जो है ये तीनों के तीनों तत्व हैं, जबकि ओजोन क्या है, ओजोन एक लेयर होती है, ठीक है, तो ओजोन यहाँ पे तत्व नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो ये होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 22 होती है। नेक्स्ट यहाँ पे एक फोटोन की ऊर्जा की गणना किसके द्वारा करते हैं, तो जो एक फोटोन होता है इसकी ऊर्जा की गणना जो होती है वो उसके लिए जो फार्मूला होता है H2 से। नेक्स्ट यहाँ पे NaCl क्रिस्टल निम्न में से किससे बनता है, ठीक है, तो देखिए जो NaCl है वो सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन निगेटिव आयन से बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रिस्टियन के धनायन व ऋणायन द्वारा
बना बंद क्या कहलाता है, तो ये होता है, ये क्या कौन सा बंद होता है, ये आयनिक बंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, जल में गैस की विलयता निर्भर करती है, तो ये करती है गैस की प्रकृति पर भी, तापमान पर भी और गैस के दाब पर भी। ठीक है, जो जल में जो गैस की विलयता होती है इन तीनों पे क्या करती है, डिपेंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस है, तो जो क्रिस्टलीय ठोस है वो शक्कर है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस क्या है, शक्कर है। देखिए कांच दिया गया है यहाँ पे, रबड़ दिया गया, प्लास्टिक दिया गया, लेकिन क्या है इसका, शक्कर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु भारी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया है यूरेनियम, ये क्या है, भारी धातु है। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्न किस ऑक्सीक्लोराइड का पीएच अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो जो सोडियम क्लोराइड ऑक्साइड है इसका क्या होता है, ठीक है, इसका जो पीएच होता है वो सबसे अधिक होता है। और इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, निम्न में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है, तो ये है NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है यहाँ पे जलवायु परिवर्तन का कारण है, तो देखिए जो जलवायु में परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके लिए कौन कौन क्या क्या जिम्मेदार है, तो इसके लिए ग्रीन हाउस गैसें भी जिम्मेदार हैं, ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, ठीक है, ये भी है, और जो प्रदूषण बढ़ रहा है, ये सभी इन सभी के द्वारा क्या हो रहा है, जो क्लाइमेट है उसमें चेंजेस आ रही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही था। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है यहाँ पे, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, तो मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, LED का पूरा नाम क्या है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो LED जो है, LED का पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड है। नेक्स्ट है यहाँ पे, CCTV का पूरा नाम क्या है, तो देखिए जो CCTV है ये भी बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया ये भी, तो इसका होगा क्लोज सर्किट टेलीविजन। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए प्रमुख उपयोगी पदार्थ होता है, तो जो ट्रांजिस्टर बनाया जाता है इसके लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो हमारा सही है। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, हमने ये 2014 के वीडियो के पेपर सॉल्व किया, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इसके लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।